नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग आइडियाज में आपका स्वागत है। हमारे फसल में कई तरह के जड़ संबंधी फंगस या बैक्टीरियल डिजीज का प्रकोप दिखाई देता है, जैसे कि बैक्टीरियल विल्ट, डैम्पिंग ऑफ, स्टेम रॉट, कोलर रॉट इत्यादि। और यह बीमारी इतना खतरनाक है कि इनका ट्रीटमेंट करना काफी मुश्किल हो जाता है। जब तक हम इनका ट्रीटमेंट करें, तब तक हमारे फसल काफी मात्रा में नुकसान हो चुका होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कोलर रॉट डिजीज से संबंधित संपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि ये बीमारी कैसे आता है, क्यों आता है, इस बीमारी का पहचान हम कैसे कर सकते हैं, साथ साथ किन किन बातों पर हम ध्यान दें ताकि कोलर रॉट बीमारी को हमारे फसल में आने से रोका जा सके। दोस्तों, आमतौर पर टमाटर, मिर्च, बैंगन, शिमला मिर्च, खीरा, फूल गोभी, पत्ता गोभी, पपीता जैसे फसल में कोलर रॉट जैसे समस्या दिखाई देता है। ज़्यादातर फसल की रोपाई के तुरंत पश्चात कोलर रॉट की समस्या दिखाई देता है, क्योंकि हमारे खेत के मिट्टी में कई तरह के हानिकारक फंगस और बैक्टीरिया होते हैं जो अनुकूल परिवेश और अनुकूल वातावरण मिलने पर हमारे फसल को अटैक करते हैं। तो इसीलिए जब हम खेत में पौध रोपाई करते हैं तो शुरुआती समय में किसान भाइयों को जड़ संबंधी बीमारी या मिट्टी संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कोलर रॉट एक फंगस जनित बीमारी है जो कि पैथोपोरा सिट्रोप्थोरा नामक फंगस के कारण होता है। यह फंगस मिट्टी में पाया जाता है। पौधे का तना मिट्टी के संस्पर्श में आने के कारण और मिट्टी में जरूरत मात्रा से ज़्यादा मात्रा में नमी होने के कारण यह फंगस अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और पौधे के तने में अपना कॉलोनी बनाना शुरू कर देता है। इसी वजह से पौधे को खाद और पानी का सप्लाई बंद हो जाता है, पौधे का तना सिकुड़ जाता है और पौधा धीरे धीरे करके मर जाता है। इस पौधे को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जड़ स्वस्थ है, पौधे के ऊपरी भाग भी स्वस्थ है, थोड़ा थोड़ा मुरझाने लगा है क्योंकि इसका खाद और पानी का सप्लाई बंद होते जा रहा है, लेकिन पौधे का तना पूरी तरह से सड़ चुका है। थोड़ी देर बाद अगर इसमें कड़ी धूप गिरेगा तो यह सूख जाएगा और पौधा पूरी तरह से मर जाएगा। यह कोलर रॉट का सिम्टम है और जिस पौधे में यह बीमारी लग जाता है उसी पौधे को रिकवर नहीं किया जा सकता, परंतु खेत में इस बीमारी लगने के बाद अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए तो पूरे खेत में इस बीमारी का इन्फेक्शन फैलने से रोका जा सकता है। इसके लिए आपको बाजार में कई तरह से केमिकल, फंगिसाइड और एंटीबायोटिक्स मिल जाएंगे, परंतु मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिसके कारण आपके खेत में कोलर रॉट की समस्या आएगा ही नहीं। दोस्तों, यह बीमारी मिट्टी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस के कारण होता है। अगर हम फसल रोपाई करने से पहले जब हम खेत की जुताई करते हैं तब ट्राइकोडर्मा विराइडी या फिर सीडोमोनास फ्लोरेंस से सॉइल ट्रीटमेंट करते हैं तब ये बीमारी आने का चांसेस काफ़ी कम रह जाता है। ट्राइकोडर्मा विराइडी या सीडोमोनास फ्लोरेंस ये बायोफंगिसाइड है जो हमारे फसल को कई तरह से हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस से सुरक्षा दिलाते हैं। ट्राइकोडर्मा विराइडी को मल्टीप्लाई करके खेत में कैसे प्रयोग करना है उसके रिगार्डिंग एक वीडियो आप लोगों के लिए बना चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में उसका लिंक है, आप वहाँ से वीडियो देख लीजिए। ट्राइकोडर्मा और सीडोमोनास से सॉइल ट्रीटमेंट करने के बाद यह फंगस हमारे पूरे खेत में मल्टीप्लाई होकर फैल जाते हैं। जब हम पौधरोपण करते हैं तो ये हमारे पौधे के जड़ में अपना कॉलोनी का विस्तार करने लगते हैं और दूसरे हानिकारक फंगस को आने से रोक देते हैं। तो इसी तरह हम अपने फसल को कोलर रॉट या फिर अन्य जड़ संबंधी और मिट्टी संबंधी बीमारियों से फसल का बचाव कर सकते हैं। अगर आप ट्राइकोडर्मा या सीडोमोनास खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।